शिव चौहान पुनः आपके लिए होम्योपैथी आधारित वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज का विषय है साइटिका। आज जो जानकारी आपको मिलने जा रही है वो वर्षों की तपस्या का फल समझिए। आप यकीन करें या ना करें, पहले दो दवाएं बताने जा रहा हूँ। पहली है थूजा, दूसरी है बेलाडोना। जब भी किसी व्यक्ति को लेफ्ट साइड में साइटिका का दर्द हो, उसे थूजा 200 की एक डोज देना है। 7 दिन तक इंतज़ार करिए। मेरा अनुभव है कि एक ही डोज में साइटिका ठीक हुआ है। अगर राइट साइड का साइटिका है तो बेलाडोना देना है 200 पोटेंसी में और फिर 1 सप्ताह तक इंतज़ार करना है। आप यकीन कीजिए कि इससे जो है हमेशा के लिए साइटिका का दर्द ठीक हो सकता है। इसके बाद में भी अगर आपको आराम नहीं आता है और आप देखते हैं कि उस व्यक्ति को जिसको साइटिका है उसको हलचल करने से, चलने फिरने से तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए ब्रायनिया 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार दवा देना है। अब आप देखिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको चर्म रोग के साथ में साइटिका का दर्द हो रहा है तो उसको आयरिस दवा देना है। ये भी 30 पोटेंसी में सुबह शाम देना है या 3 बार दे सकते हैं। आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको साइटिका, उसके बाल भी सफ़ेद हो गए, कम उम्र में सफ़ेद हो गए हैं, तो उसको काली आयोडीन दवा देना है। आपको कोई व्यक्ति बताता है कि साइटिका चलने फिरने से ठीक रहता है परंतु जब मैं बैठा रहता हूँ तब तकलीफ होती है, उस व्यक्ति का गुस्सेल प्रभाव है, स्वभाव है, उसको लाइकोपोडियम दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। कई लोग कहते हैं हमें साइटिका वैसे तो परेशान नहीं करता पर हम जब सोते रहते हैं और करवट बदलते हैं, करवट बदलने में हमें दर्द होता है, तो उसके लिए मित्रों नेप्टन सल्फ नामक दवा काम आएगी। अब आइए मैं आपको ऐसा बताता हूँ, कोई कोई व्यक्ति जो है ये बताता है कि मुझे पर्टिकुलर कमरे में जाने से दर्द होता है और वो कमरा अगर गर्म रहता है, गर्मी में अगर जाने से तकलीफ हो रही है, तो ऐसे साइटिका को ठीक करने के लिए पल्सेटिल्ला 30 सुबह दोपहर शाम दे दीजिए तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। मैंने अनेक पेशेंट ठीक किए हैं। अब मैं आपको ऐसा बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आता है जिसने बहुत सारे उपचार लिए हैं, बहुत सारे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक दवाएं दी हैं और उसको आराम नहीं हुआ है, तो आप जानते हैं कि होम्योपैथी में एक ही दवा ऐसी है जिसको ठीक करेगी, उसका नाम है नक्सोनिका। नक्सोनिका दीजिए और साइटिका से आराम पाइए। इसके अलावा अगर ठीक नहीं होता तो आप किसी अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक से संपर्क कीजिए। निश्चित रूप से इनसे लाभ होने पर मुझे आप बताएंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप पसंद कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो मेरी काफ़ी बड़ी तपस्या के बाद मुझे इसका बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।